आज हम लोग पनीर लबादर बनाएंगे। ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। आप पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना। मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, तो हम खड़ा मसाले से ही बनाएंगे ये सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जीरा ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची ले ली है कश्मीरी, 2-3 तमालपत्र ले लिए, तेजपत्ते ले लिए मैंने। फिर यहाँ पे 4 से 5 लौंग लेंगे हम लोग। उसके बाद 3 से 4 इलायची ले लेंगे और 2 हरी मिर्ची काट के रखी है वो ले लेंगे। अदरक का टुकड़ा मैंने काट के रखा है वो ले लेंगे। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लंबी लंबी कटी है प्याज वो ले लेंगे। ये मैंने 6 से 7 लिया है। मेरे यहाँ 4 जन की क्वांटिटी है, तो इस हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो ये 4 जन को सर्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा इसका कलर चेंज होता है और थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको धीरे आंच पे ही हमको रखना है। उसके बाद 6 से 7 हम लोग लहसुन की कली ले लेंगे, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप प्याज के साथ डाल दोगे। तो ये थोड़ा हमारा पक गया है। इसमें हम लोग 7 से 8 टमाटर ले लेंगे। तो मैंने टमाटर को भी रफली चॉप कर दिया है, क्योंकि इसकी मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ। और इसके साथ हम लोग 12 से 15 काजू के टुकड़े ले लेंगे। इससे ठीक भी हो जाएगी हमारी ग्रेवी। इसमें मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और कश्मीरी मिर्ची मैंने डाल दी है। ये मैंने जो सब्जी अभी है उसके हिसाब से ही डाला है। अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हम लोग। तो इसकी स्मूथ हो जाएगा सारा, टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ग्रेवी के लिए हमको ये रेडी कर देना है। ये आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई गेस्ट आने वाला हो, कि हमारे यहाँ पार्टी होती है, तो आप ग्रेवी ये आप स्टोर करके भी रख सकते हो 8 दिन के लिए, लेकिन ये फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो आप। तो ये प्रिपेयर आप पहले से ही कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी इसको। तो ये रेडी हो गया, इसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसके अंदर सारा ऐड कर लेंगे और अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारी सब्जी भी पक गई है। अभी इसकी स्मूथ पेस्ट बना देंगे। तो ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अभी वापस हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और 2 टेबलस्पून घी लूँगी। इससे बहुत अच्छा सब्जी बनती है। अगर आपको बटर डालना है तो बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे मैं जो ग्रेवी बनाई है हमारी, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये एकदम इजी तरीका है। होटल जैसे आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट भी लगेगा और एकदम ईजी आपका काम हो जाएगा। इसको हम वापस पकाएंगे। इसको अभी ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्जी को पका दिया है। तो इसको हम लोग 5 मिनट के लिए पका देंगे। थोड़ा तेल ऊपर आएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको भी धीरे आंच पे हम लोग रख देंगे। अभी इसको थोड़ा छोड़ देंगे। आप देख सकते हो कि ग्रेवी बहुत अच्छी हो गई है हमारी और थोड़ा तेल भी ऊपर आने लगा है, तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी इसके अंदर मैं 250 ग्राम पनीर ऐड करूंगी, लेकिन उसमें से मैं 100 ग्राम निकाल दूंगी, तो क्योंकि मैं यहाँ पे पनीर को कद्दूकस करके ही डालूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा सब्जी का। तो ये आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे तो बहुत अच्छी आपकी सब्जी बनेगी।
और ज़्यादातर सब बच्चे पनीर निकाल देते हैं, लेकिन आप ऐसे ही कद्दूकस करके डालोगे तो आपकी सब्जी का लुक भी अच्छा हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे ही आप मेरी सब्जी फॉलो करके बनाना। तो ये रेडी हो गया, अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको हम सर्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है सब्जी का भी। तो हमारी पनीर लबारार सब्जी रेडी हो गई है, लुक वाइज यम्मी और टेस्टी। और फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और यहाँ पे मैंने ऊपर से लहसुन वाला जो बटर आता है वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये भी आप ज़रूर से फॉलो करना। अगर आपके पास लहसुन वाला बटर नहीं है तो आप बटर के अंदर बारीक बारीक लहसुन डाल के भी करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके ऊपर हम लोग चीज़ भी डाल देंगे ताकि हमको लगेगा कि हम होटल में खा रहे हैं और होटल जैसे ही सब्जी बनेगी ये। और टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है और ऊपर से हम काजू के टुकड़े भी डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है, ऐसा ही लगता है कि हम लोग होटल में बैठ के खा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से ये ट्राई करना, और ये सब्जी सही में बहुत टेस्टी बनती है। तो आप ये रेसिपी को फॉलो करके बनाओगे तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।